दोस्तों शिखर धवन के लिए आजकल दिन अच्छा नहीं जा रहा है। या दोस्तों जहां पर शिखर धवन को रेगुलरली टीम इंडिया में चांस नहीं मिल रहा है, वहां पर ही उनका जो पर्सनल लाइफ है पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम से घिरा पड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन थे शिखर धवन, हालांकि उनके जगह शुभमन गिल, केएल राहुल, रोहित शर्मा इन लोगों ने बहुत अच्छे से ले लिया है, तो शिखर धवन की जगह तो अभी मिलना बहुत मुश्किल है टेस्ट T20 या फिर ODI जो भी कहे। और वहाँ पर पिछले साल ही आयशा मुखर्जी जो कि शिखर धवन के वाइफ थे उनके साथ डाइवोर्स हुआ है। हालांकि आयशा मुखर्जी की ओर से ये सेकेंड मैरिज था, वो पहले ऑस्ट्रेलिया बिजनेसमैन से उनकी शादी हुई थी और 2000 साल में एक बच्चा और 2005 साल में उनकी एक बेटी भी हुई थी। और बाद में शिखर धवन आयशा मुखर्जी के साथ शादी करते हैं। आयशा मुखर्जी ऑस्ट्रेलिया की एक किक बॉक्सर है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे गेम खेले थे। शिखर धवन के साथ आयशा मुखर्जी की वार्तालाप हुआ फेसबुक में, जो कि हरभजन सिंह उनका कॉमन फ्रेंड था। हालांकि अभी डाइवोर्स के बाद आयशा मुखर्जी शिखर धवन के अगेंस्ट में दिल्ली कैपिटल्स की जो मालिक है उनको मैसेज कर रहे हैं, शिखर धवन के खिलाफ उल्टा सीधा बातें कह रहे हैं और शिखर धवन को आयशा मुखर्जी धमकी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे क्रिकेटिंग करियर खत्म कर डालूंगा। तो इसके लिए शिखर धवन चले गए हैं कोर्ट में और कोर्ट में बताया गया है कि आयशा मुखर्जी ऐसे बातें, कोई डिफेमेशन की बातें किसी के साथ नहीं कह सकते हैं, शिखर धवन से रिलेटेड बातें प्रेस मीडिया हो या फिर किसी के साथ वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। आयशा मुखर्जी भी कोर्ट पर जाने वाली है। तो दोस्तों इसको लेकर शिखर धवन की पर्सनल लाइफ जो है वो प्रॉब्लम से घिरा पड़ा हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, शिखर धवन टीम इंडिया में लौट पाएंगे या नहीं, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके ठीक है मेरे कॉमेंट का।